हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह एंड आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो आज जो हमारा 15 को जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है उसका हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, जो जनरल स्टडीज फर्स्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके क्वेश्चन को चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से आंसर सही हैं और हमारी कितने आंसर सही हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपके कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने आपके करेक्ट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि मेरे इतने बन रहे हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपका कोई भी आंसर, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपका आंसर सही है और मैंने आपको गलत बताया है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा चेक करके बताऊंगा कि हाँ क्या कौन सा सही होगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन होगा, इसका सी है, सी नंबर ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है, अग्नाशय, सॉरी। तो जो आपको सी अग्नाशय दिख रहा है इसका आंसर ये करेक्ट होगा। दूसरा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या टैल्क। तो इसका हमारा जो आंसर होगा सेकंड का, वो सी होगा, जिप्सम सही होगा। थर्ड नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आपको इसमें से अगर एक दो भी पता है तो आप इसका आंसर आराम से टिक कर सकते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं। तो इसका हमारा थर्ड का जो ऑप्शन होगा हमारा होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सुमेलित कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो बोल रहा है फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो बोल रहा है कि तुलसी के पौधे में का औषधीय जो महत्व है वो कौन सा है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो थर्ड सी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फिनॉल, फिनॉल है, फ्लेवोनॉइड्स है, ये हमारा इसका सी नंबर करेक्ट है। फाइव नंबर की बात करें, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है, तो आप इसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं ज्यादा बिना किसी देरी के। तो फिफ्थ का अगर आप आंसर देखें तो जो सी आपका बता रहा है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सिक्स नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका पहला और दूसरा दोनों करेक्ट होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव गतिविधियों में से प्रवर्तित पर्यावरण कहलाता है, इसका होगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका आपको आपके ए बी सी कौन सा आपका करेक्ट, कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सत्य नहीं है, तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा, अगर सही है तो अच्छी बात है। इसका जो पहला नंबर है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, इसका ए नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। डी की तरफ जाते हैं, सॉरी, नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो नाइन का जो आंसर है हमारा लाइकेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेन नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसके ऑप्शन अलवणीकरण, समुद्री जल, प्रतिलोम पराष्ट्रण, पेयजल विकृतीकरण, प्रोटीन या पाश्चरीकरण जो चाय है, तो इसका हमारा आंसर हमारा डी नंबर होगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इलेवन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो इसमें हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्वेल्व नंबर है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि में तापमान में वृद्धि करती है, आप सभी को पता है क्या होती है, मेथेन। थर्टीन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में कहां पर स्थित है, तो थर्टीन का ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम। 14 नंबर है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसका ऑप्शन हमारा दीव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो 15 का हमारा जो ऑप्शन होगा ए, ये हमारा करेक्ट है। 16 नंबर बोल रहा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन स्तर, तो इसका हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट होगा। 17 नंबर बोल रहे हैं घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए फोटो में सही उत्तर दें, तो जो हमारा 17 होगा, 17 का जो हमारा बी ऑप्शन है 1, 3, 4, 2, ये मैं जो आपको सेट करा रहा हूँ ये सेट नंबर बी है। तो आप सारे, वैसे तो जितने भी सेट हैं क्वेश्चन तो सारे सेम ही है, बस इधर उधर होंगे तो आप मैच कर सकते हैं इजिली,
लेकिन जो मैं आपको सेट करा रहा हूँ ये सेट नंबर हमारा बी है। ये टीम का आंसर इसमें बोल रहा है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर करेक्ट होगा। 19 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो 5 सम्मिलित नहीं करता है, तो जो हमारा 19 होगा इसका हमारा क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जैविक परीक्षण। 20 की तरफ जाते हैं, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इसे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो जो 20 होगा इसका हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, उल्टा यू आकार का। 21 जो है उसमें कथन दिया गया है कि पहला है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है और उसके नीचे उसका रीजन दिया गया है, तो जो हमारा 21 होगा उसका जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 22 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रस्तुत सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। 22 इसका हमारा जो पहल हो जाएगी, पहल जो हमारी योजना है वो सबसे बड़ी योजना मानी गई है। 23 की अगर हम बात करें, यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। 23 तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर जो लिखा है, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तीनों जो हमारे दिए गए हैं कथन तीनों ही सही है। 24 की अगर हम बात करें तो 24 में दिया है भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों में संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 24 का हमारा डी नंबर ऑप्शन तीनों सही है हमारे। 25 बोल रहा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अगर हम 25 की बात करें तो 25 में जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सारे सही हैं। 26 स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम कौन सा है, तो जो हमारा 26 होगा, 26 का जो हमारा डी है, लेक मंदिला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये हमारा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 27 कह रहा है कि टेलीग्राफिक जो पठार है उसका हिस्सा है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन लिखा है उत्तर अटलांटिक कटक, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 28 उसमें सही सुमेलित करना है, देखिए जो भी है, अगर आपको दो भी आते हैं फिर भी आप सही आंसर करके आए होंगे आई होप, तो 28 का जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी नंबर होगा, 2, 3, 4। 29 निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग में अवस्थित नहीं है, तो जो हमारा सी है सोची, इसका सोची करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान या मिस्टर ऑस्ट्रेलिया, तो जो हमारा डी नंबर है मिस्टर ऑस्ट्रेलिया आप सभी को पता है ये नहीं है। 31 नंबर बोल रहा है कि इसमें भी सुमेलित करना है कि कोयला क्षेत्र और नीचे उसकी अवस्थिति दी गई है कहां पर है ये, तो जो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी नंबर होगा 1, 3, 2, 4। 32 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो जो इसका पहला हमारा दिया है गुरला मान्यता, ये हमारी भारत में नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 33 नंबर दिया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। 34 नंबर दिया है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो आप सभी को पता है लुणी नदी एक फेमस है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 35 नंबर दिया है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है, तो इसका जो हमारा होगा आंसर बंगाल डेल्टा। 36 नंबर दिया है, नीचे कथन दिया आपसे पूछा है, तो जो 36 का आंसर होगा हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण ए की सही व्याख्या नहीं है। 37 की तरफ पढ़ते हैं, 37 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो हमारा जरीब है डी नंबर है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। 38 की बात करते हैं कि सूची दी गई है, पहला हमारी सूची है कि किस कौन किससे संबंधित है, तो इसमें जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है 1, 3, 4, 2 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 39 की बात करते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, पहला दिया भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राजा बहादुर सिंह, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह, तो इसका जो हमारा होगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 40 का जो आंसर होगा वो होगा बी 2, 3, 4, 1।
41 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 4-2-3-1 यानी कि बी। बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 42 मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपको जो 42 दिया है, 42 का हमारा आंसर होगा केवल 1, मतलब मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, केवल हमारा ए नंबर सही होगा। 43 की अगर हम बात करें कि कौन सी सूची हमारा सही सुमेलित है या नहीं है, तो जो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा 4-2-1-3 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 44 की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, क्रॉनिकल वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आए हैं इसमें, आपने देखा होगा, तो इसका हमारा जो सी नंबर ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट है 4-2-1-3। 45 नंबर दिया है कि आशैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो हम सही है सॉरी, तो इसमें जो हमारा पहला नंबर दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। 46 की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कौन सी आर फॉर्मूला दिया था, तो सी जो हमारे सी आर राजगोपालाचारी जो है सी राजगोपालाचारी, बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 की बात करें, अगर हम द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका हमारा जो डी नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा, बिपिन चंद। 48 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं, तो जो हमारा 48 है इसका हमारा ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, यानी कि हमारा कौन सा होगा सी नंबर ऑप्शन। अगर हम 49 की बात करें, पंचायत राज के संदर्भ में, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कमेंट करके बता दूंगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। हम लोग नेक्स्ट 50 की तरफ पढ़ते हैं। दिया है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न से किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा है कि अर्धसत्तात्मक है, इसका हमारा हो जाएगा एच.जी. लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 52, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे निम्नलिखित में कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 53 की तरफ पढ़े, अगर 53 दिया है कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोटों में सेव तक नहीं है, तो जो हमारा 53 है इसका हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1-2-3-4। 54 जो हमारा होगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनसे एक कथन दूसरे का कारण रीजन कहा गया है, तो 54 का जो हमारा होगा मतलब ए हमारा गलत है किंतु आर हमारा सही है, डी नंबर करेक्ट होगा हमारा। 55 की बात करें, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल, तो इसका हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 जो दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तो जो हमारा आर्टिकल 43A है जो डी नंबर ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 की अगर हम बात करें, संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या, तो ये जो हमारा सी नंबर हमने इसको माना है लेकिन इसको अभी कहा नहीं जा सकता, मेरे हिसाब से सी होगा, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, बाकी जब ऑफिशियल आएगी तो आपको पता चल जाएगा किसका आयोग ने क्या आंसर माना है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे आंसर रहते हैं उसमें आयोग और हमारे इन दोनों में काफी कई सारे क्वेश्चनों में डाउट रहता है कि उन्होंने क्या माना है, हमारा ओपिनियन क्या है, तो वो जब आएगी तब आप कंफर्म कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन जो भी है। 58 क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो जो हमारा डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, हमारा डी नंबर कंफर्म हो जाएगा। 59 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस मंदिर के विदर्भ की घसराओं के रूप में माना जाता है, तो जो हमारा ए नंबर है मार्कंडेश्वर जो हमारा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 60 की अगर हम बात करें, सूची एक को सूची दो के साथ सही सम्मिलित करिए, तो इसका जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा 1-4-2-3 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 दिया गया है, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की थी, तो जो हमारा ये हो जाएगा सियेरा लियोन, ये हमारा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 62 की बात करें, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शीर्ष है, तो इसमें हमारा जो कर्नाटक है वो राइट आंसर होगा। 63 दिया है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल विमेन अदर के लेखक लेखिका कौन है, तो जो हमारा इसमें ये बर्नाडीन एवरिस्टो जो है ये हमारा इसका डी नंबर करेक्ट होगा। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों जो भी आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं कैसे और कितने आपके बन रहे हैं, लगभग पेपर फर्स्ट और पेपर टू आपको अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, आप नीचे लिंक में देख सकते हैं।
तो 64 देखिए, देखते हैं विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले पीवी सिंधु ने फाइनल मैच किसको हराया था। देखिए जो इन्होंने जो करंट आपको करंट क्वेश्चन दिए हैं तो जरूरी नहीं कि लेटेस्ट के दिए हैं, काफी पुराने भी पूछे हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा कैरोलिना मारिन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 65 की बात करें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था, तो 65 ये मांगदेशु विद्युत परियोजना जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है, तो ये हमारा इसमें सिक्किम करेक्ट ऑप्शन है। 67 दिया है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी जो है हमारे पुस्तक है उनकी वेड शिल्प के संबंध में किससे, तो इसका हमारा हो जाएगा पांच कला। 68 दिया पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्होंने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है किससे, खेल से संबंधित है गोला फेंक, सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 69 की अगर हम बात करें, दिया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था, तो इसका हमारा हो जाएगा पेरिस, ए नंबर करेक्ट। 70 की बात करें, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है, तो इसमें हमारा पेरी पेरी करेक्ट ऑप्शन होगा। 71 की तरफ चलते हैं, इसमें सुमेलित करना है कि विटामिन हमारा कौन सा सही है और कौन से उसके स्रोत हैं, तो जो हमारा विटामिन B2 है ये हमारा सही नहीं है। 72 की बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरे का रीजन दिया गया है, तो अगर हम 72 की बात करें तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। 73 जो दिया गया है उसमें भी सूची दी गई है, तो इसका जो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा 2341 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 74 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की नमीनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है, नेथिलीन तथा शुष्क वर्ग, तो आप सभी को पता है उर्ध्वपातन, हम लोग एकेडमिक से पढ़ते आए हैं ये, तो आपका ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दिया है 75 दिया है प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में संचरण के लिए निम्नलिखित कौन सा, तो आपने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमारा होता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 76 की बात करते हैं, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, 76 दिया है तो इसमें जो हमारा पहला और दूसरा वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर को उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां पर उत्पादित होते हैं, तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। 77 की बात करें, माँ का दूध नवजात के लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें से निम्नलिखित में किसका अभाव होता है, इसमें जो हमारा आयरन होता है लो इसकी अनुपस्थिति होती है। 78 की बात करें, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो जो हमारा 78 है इसका हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा 2431। 79 की बात करते हैं, बिब्लियोमेट्री जो हमारा होता है, बिब्लियो मतलब किताब होता है आपको पता ही है, तो ये हमारा पुस्तकालय सेवा से संबंधित है। 80 नंबर की बात करें, हम निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, वापसी की शक्ति होती है, यही हमारा एल्बिडो इफेक्ट होता है। 81 कह रहा है कि गैरी जो हमारी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, मतलब हमारा जो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। 82 की तरफ पढ़ते हैं, 82 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है जल संरक्षण से नहीं है, हमारा डी नंबर जो हो जाएगा ये हमारा रॉन्ग है, मतलब डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 83 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन एक दूसरे का जो है रीजन है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है फ्रेंड्स, मैं आपको 83 नंबर क्वेश्चन और जो मैंने आपको पीछे बताया वो दोनों आपको आपको बाद में डिस्कस करूंगा। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है, तो इसका जो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा घटती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरा जो शैवाल होता है, ये हमारा नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारा धुआं है, स्मॉग है, वो आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में उपस्थिति के कारण होती है, तो इसमें हमारा जो नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड होता है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर दिया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक जो 500 पुरस्कार दिया गया था, तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था, बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 की तरफ पढ़े, श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर हमारा क्या होता है कि ये जो एक सिमट गया तारा होता है, बोलते हैं कोलैप्स्ड स्टार जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं श्याम विवर, मतलब इसका डी नंबर करेक्ट होगा। 89 की बात करें, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है,
तो ये हमारा पाया जाता है पश्चिमी घाट में। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो 90 का हमारा नीति आयोग जो है, हमारा है प्लानिंग कमीशन का जो चेंजमेंट रिफॉर्म है, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जो हमारा नीति आयोग आया है, ये हमारा नोडल संस्था है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 91 की बात करें अगर हम, कि लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को फल क्रमानुसार में उपस्थित करिए, नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए, तो इसका जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है 4213, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 दिया है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, तो जो हमारा 92 का आंसर होगा ये हमारा फर्स्ट नंबर है 1234, ये नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 है, नीचे दिए गए कथन को एक कथन है दूसरे स्वाब को बताना है। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 93 का जो हमारा हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ए तथा दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। 94 नंबर की तरफ पढ़ते हैं, भारत में निर्भरता अनुपात जो डिपेंडेंसी रेशियो है घट रहा है, उसकी एज बताइए, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है 15 to 59, ये हमारा सर्वथा अधिक होगा। अगर हम 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसका स्थायी प्रबंधन लक्षित करेगा, तो जिसका पहला देखिए SDG 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा होगा SDG 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? पहला दिया है क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रिटलैंड आयोग, एजेंडा 21, तो जो इसका आंसर हमारा होगा क्लब ऑफ रोम, ये नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दिया है, वर्ष के अधिकांशतः हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जो हमारा 97 होगा इसका होगा हमारा सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ये नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 98 की बात करें, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा 98 है इसका हमारा केवल कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया था, केवल हमारा पहला सही है। 99 की अगर बात करें, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो जो हमारा 99 का ऑप्शन होगा ए नंबर जो हमारा दिया है मोरिस टी मोरिस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 100 की अगर हम बात करें, भारत का विश्व भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या स्थान रहा है? तो इसमें हमारा ए नंबर करेक्ट होगा 101 की बात करें, सूची एक को किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? पहला हमारा वनस्पति दिया है, दूसरे में हमारा क्षेत्र दिया है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा 2314, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, 102 नंबर बोल रहा है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, पहला हमारा देश है उसकी राजधानी है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा 1234, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 103 की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति को हमें क्षेत्र से सम्मिलित करना है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा 2341, जो हमारा ए नंबर, यानी कि हमारा जो पहला ए नंबर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। 104 की बात करें, जनजाति और स्थान, तो इसमें जो हमारा देखिए पहला पिग्मी कांगो एशियन अंगामी नागालैंड एनू जापान, और जो पहला दिया है हमारा किर्गिज सूडान, तो जो हमारा किर्गिज सूडान है ये हमारा सही सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 105 पे जाते हैं, नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरे का कारण दिया का कारण कहा गया है, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो जो हमारा ए नंबर है कथन एक का कारण दोनों सही है, तथा तो कारण एक की सही व्याख्या करता है, यानी कि हमारा ए नंबर बिल्कुल सही है। 106 की तरफ चलते हैं, मध्य भारत में किस में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 107 की बात करते हैं, निश्चित दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक दूसरे का कारण बताया गया है, तो 107 की अगर बात करें तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 108 की तरफ बढ़ते हैं, मणिपुर पहाड़ियों में से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, ये हमारा जो सरोवरीय मैदान का है ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। 109 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा गंडक। 110 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा इसका ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जो सवाना प्रदेश है, देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश और उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो जिसका ऑप्शन है डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है।
111 की तरफ पड़ता है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 111 का जो हमारा दूसरा और तीसरा, लघु हिमालय की पर्वतारोही चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलते हैं और बाहरी हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो मतलब जो हमारा बी और दूसरा और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 112 की तरफ पढ़ते हैं, नीचे जो कथन दिए गए हैं वो कथन एक दूसरे का रीजन बताया गया है। तो 112 में जो हमारा दिया गया है, 112 का हमारा ऑप्शन पहला वाला जो दिया है कथन ए और कारण दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा जो ए नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 113, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो जो हमारा 113 है इसका हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है 2, 1, 3, 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 114 का जो हमारा हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला हमारा दिया है हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन सही है, हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 115, निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो इसमें दिया है कि एकता एक राज्य सरकार व्यवस्था थी या सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यह हमारा है मुक्ति एकता से एकत्रित राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 116 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पुस्तकें और लेख दिया गया है? तो जो हमारा तुगलकनामा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 117 जो हो जाएगा नेटिव मैरिज एक्ट किस वक्त पारित किया गया था? तो 117 जो है इसका हमारा हो जाएगा 1872 बी नंबर करेक्ट होगा हमारा। 118 की बात करें, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, पहला हमारा आंदोलन दिया है और हमारा वर्ष पूछा है कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा, तो 118 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है 2314। 119 की तरफ बढ़ते हैं, पहले में हमारा घटना दिया है दूसरे में हमारा वर्ष पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो हमारा सांप्रदायिक जो हमारा कम्युनलिज्म वाला कम्युनल वाला जो अवार्ड है सांप्रदायिक निर्णय है 1933 वाला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 120 की तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो जो हमारा 120 है 4213, यानी कि पहले फिरोज साहब मेहता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी, उसके बाद हमारा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, तो हमारा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 121 की तरफ पढ़ते हैं, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहां पर चलाया गया था? लाल किला, ग्वालियर फोर्ट, आमेर फोर्ट या आगरा फोर्ट? तो हमारा हो जाएगा लाल किला। 122 दिया, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से कारण पूछा गया है इसमें, तो 122 जो हमारा हो जाएगा उसको हमारा ऑप्शन होगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 123 नंबर है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें देखिए पहला दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये दूसरा दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो इन दोनों में हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, हमारा हो जाएगा डी। 124 की तरफ पढ़ते हैं, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया था और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्य केवल सरकारी लेखा द्वारा सीमित रखा गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1976। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो इसमें हमारा महात्मा गांधी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 126 दिया, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से स्पष्टीकरण बताना है, तो 126 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 127 की बात करते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा सही है? तो जो 127 है हमारा इसका हमारा दोनों ऑप्शन सही है, मतलब एक और दो दोनों। 128 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और राज्य सूची दी गई है, तो उसमें हमारा पूछा है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये हमारी तिथि सूची में नहीं आता है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा सी नंबर करेक्ट नहीं है। 129 की बात करें, भारत के संविधान की 11वीं जो अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? इसमें हमारा 29 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 130 की बात करें, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित कौन सा है? तो इसमें हमारा ना तो हमारा पहला वाला है 1970 में आया था और प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ना तो हमारा पहला ना हमारा दूसरा, हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 131 की बात करें, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसमें हमारा त्रिपुरा जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
132 की बात करें तो से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ब्रह्मदेश प्रतिशत विचारों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पॉलिटी से, तो 132 का जो हमारा ऑप्शन होगा प्रतिषेध, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। 133 की बात करें, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 110 बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन से किन दो शहरों को जोड़ती है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा मोतिहारी तथा आमलेखगंज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 135 की बात करें, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के द्वारा किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, इसमें हमारा हो जाएगा बाकू अजरबैजान, ये नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 136 की बात करें, IMF के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है, तो इसमें हमारी जो क्रिस्टलानिया जॉर्जीवा है, ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है, तो इसमें जो हमारा लक्ष्य है बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, ये हमारा सही है। 138 है, सूची दी गई है, तो इसमें सही सुमेलित करना है, तो 138 का हमारा ऑप्शन डी नंबर होगा, 4312। 139 की बात कर लेते हैं, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया, देखिए जो हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया उसमें जो हमें अभी लेटेस्ट का दिया गया वो नहीं पूछा है, पिछले साल किसको दिया गया था उसके बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, और अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे पाए होंगे, तो इसका एलिनार ओस्ट्रॉम हो जाएगा। 140 की बात करें, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की ग्रामीण स्वच्छता रणनीति किस अवधि में संबंधित है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2019, 2020, 2022, सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 141 की बात करें, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है, तो इसका हमारा मैसूर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत से लोग इसको वाराणसी भी लगा रहे हैं लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैसूर होगा। 142 की बात करें, भारत द्वारा भूमि क्षरण प्रतिष्ठता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2030। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, तो ये हमारा GSLV MK3 जो हमारा M1 है, इसको बाहुबली भी बोलते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था और ये उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, तो ये हमारा दोनों सही है, ये और भी दोनों। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, ये हमारा ऑप्शन है, इसका हमारा हो जाएगा त्रिचट्टा। नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करती है, इसका हमारा जो दाल है पल्सेस है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आविष्कृत किया जाता है तो निम्न से क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो जो हमारा 147 है इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, त्रिज्या हमारी बढ़ जाएगी। 148 की बात करें, अगर निम्न नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो हमारा ABC दिया गया है आपको पता होगा उसमें कौन सा है, नियोप्रिन जो हमारा है ये सही सुमेलित नहीं है। 149 दिया गया, निम्न से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, इसका हमारा कपास, ये हमारी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट दिया गया, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल घर में ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा का जो हमारा कोई भी प्राप्ति नहीं होती है, तो 150 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा संचालन और सम्मोहन एवं विकिरण, ये और भी दोनों। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये, आप अपने मार्क्स का नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं और कितने आपके ऑप्शन करेक्ट हैं।